मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फिर से आगे और लेके चलते हैं। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आप लोगों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन कल बताए थे, फिर से आपको और देखेंगे। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0। अब ऑलरेडी आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 एंड a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू A not equal to 0 is called quadratic equation। आपका जो x square का term है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये term 0 हो गया तो linear equation in two variables आ जाएगा। okay? ये आपका standard form of quadratic equation। आपको सॉल्व करना है कोडेक्स के लिए कुछ क्वेश्चन आज फिर आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कोडेक्स इक्वेशन ही 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 equal to 11 by 1। आपका दिस इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 इस फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं। जब तक आप इस फॉर्म में नहीं बनाओगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए आप पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व क्या करेंगे, टू टर्म से हम इसको वन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। टू टर्म से जैसे आप यहाँ इसका LCM x plus 4 और x minus 2। जब आपका दोनों different term है, एक x plus 4 और दूसरा x minus 7। तो जब different term है, जैसे 2 और 3 का LCM क्या होगा, 2 into 3 होगा। यहाँ पर x plus 4 x minus 7 दोनों different है, तो पर product के तौर पे हम LCM। अब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, x plus 4 x plus 4 कैंसिल, बच गया x minus 7 और x minus 7 into 1 x minus 7 और लास्ट एक x minus 7 minus और यहाँ पर x minus 7 से डिवाइड करोगे तो 1 और ये दोनों का कैंसिल, बच गया x plus 4 तो यहाँ पर x plus 4 11 by 19। अब आपका दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म आ गया। अब इसको थोड़ा अगर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो आप कर सकते हो, जैसे x minus 7 minus x और minus plus minus 4 divided by और इस दो फैक्टर को एक गुणा के द्वारा मल्टीप्लाई करोगे, x का प्रोडक्ट x minus 7 से x square minus 7x plus 4 का product दोनों के साथ करोगे तो plus 4x minus 28 is equal to 11 by 13। और सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो, minus x और plus x के minus 7 और minus 4 equal to minus 11 divided by x square minus 3x minus 28 is equal to 11 by 13। अभी भी आप और सुनते हैं तो इस 11 और 11 को कैंसिल कर दो, यहाँ minus 1 बचा यहाँ 1 बचा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस करेंगे तो 1 का प्रोडक्ट x square minus 3x minus 28 is equal to minus 1 into 13 minus 13।
को ले आए राइट साइड, तो माइनस 28 है ना, माइनस 28 और प्लस 30। हम इसको ले आते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 30 को ले आए राइट साइड, तो माइनस 28 और प्लस 30 तो प्लस 2 आया, प्लस 2 जीरो। अब आप मुकुलट कर सकते हो इस फॉर्म में तुम्हारा आगे। अब यहां तक जो ये आपका एक्स्ट्रा पर है, कल क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे वो डायरेक्ट आपका इक्वेशन था, आज हमको सॉल्व करने के बाद क्वालिटी का फॉर अरेंज किए, अब आपका क्वालिटी का फॉर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को यहां से हम थ्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, और थर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तभी हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अनुमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का फैक्टर x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x, माइनस 2x माइनस x, माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लो दो टर्म से, x माइनस 2 और इसके माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर x माइनस 2, अदर फैक्टर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपका दो केस आएगा, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, सॉल्यूशन से एक आ गया 2 और एक आ गया 1, ये आपका ट्रू रूट्स आया इस इक्वेशन का, जो कि एक 2 है और सेकेंड आपका 1 है। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, इसमें किसी को प्रॉब्लम? तो कुछ बताइए, हर्ष राज क्या प्रॉब्लम है? चलिए गुड मॉर्निंग, आप बोले हैं ठीक है गुड मॉर्निंग, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? ये हम क्लासरूम से पढ़ा रहे हैं और घर से पढ़ा रहे थे, कोई बताओ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 2x minus 1 divided by
सेम इसका ये रेसिप्रोकल है ना, x + 3 न्यूमरेटर में है और 2x - 1 डिनोमिनेटर में है, तो हम क्यों ना इसको पुट कर दें, आप इतना लेट से क्यों आते हो, हम यहां पर से सॉल्व कर रहे हैं, तो यानी 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ गो बैक इन द टर्म ऑफ 2y स्क्वायर माइनस 6y में 2y कॉमन ले लो, y माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन ले लो, y माइनस 3 इज इक्वल टू और 2y प्लस 1 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। दो टर्म है, एक आया 2y प्लस 1 और एक y माइनस 3, या 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 1 का एक आंसर आया y इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 2, दूसरा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। जो टू सॉल्यूशन आया,
फर्स्ट माइनस वन बाय टू अदर सॉल्यूशन थ्री, एक्चुअल में ये इसका आंसर नहीं यहाँ पर छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x, आप इसका x फाइंड करोगे, तो x कैसे फाइंड करेंगे, जो हम पुट किए थे यहाँ पर, यहाँ y का वैल्यू आप ले आओगे, एक बार लाओगे माइनस वन बाय टू और दूसरा लाओगे थ्री, ठीक है। तो फर्स्ट हम माइनस वन बाय टू ले आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आपके यहां पर टू एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस थ्री, और इसके यहां पर वाई माने एक बार वाई को प्रूव कर देंगे माइनस वन बाय टू, इसको क्रॉस करोगे तो फोर एक्स माइनस टू से प्रोडक्ट कर देते हो तो टू इंटू टू फोर एक्स और माइनस वन इंटू टू माइनस फोर, और माइनस वन का प्रोडक्ट माइनस एक्स और माइनस थ्री, और एक्स को क्या है लेफ्ट साइड में तो प्लस फाइव एक्स और माइनस टू इधर आकर प्लस टू होगा तो माइनस वन, और एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव, एक आंसर आपका एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आया। अब अदर सॉल्यूशन के लिए फिर आप लिखोगे 2x माइनस 1 बाय x प्लस 3, फर्स्ट केस जैसे हम पुट किए थे माइनस 1 बाय 2, आप क्या करेंगे y इक्वल टू 3, क्रॉस करेंगे 3x प्लस 9 इक्वल टू 2x माइनस 1, 3x माइनस 2x x इक्वल टू माइनस 10, इसका सॉल्यूशन से एक एक्स आया था माइनस वन बाय फाइव और अदर एक्स आया माइनस 10, ये दो आपका माइनस वन बाय फाइव एंड माइनस 10 आर टू सोल्यूशन, ये तो कैलकुलेशन था, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में लगभग पूछता ही है, बोर्ड का टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्वालिटी का हम बता रहे हैं जो कि बोर्ड में पूछता है। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, किसी को प्रॉब्लम भी है, नहीं है,